दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, मैं लब के ले आवा, मैं लब के ले आवा, कितों सोना तेरे नाल दा ना मिसाल दा, तेरिया ते सिफ आते हैं वही जिनको सरकार महफिल से आमदा मकसद पंजाबी मैं क्या माशाल्लाह सारे पंजाब हो ज्यादा समझ नहीं आ सी जगह साडा आमदा मकसद है सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं राजी करना अपने बारे साडा असल मकसद जरा साडा आमदा नेकियां दे तरफ मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नमाज मेरी अखां दी ठंडक है, नमाज मोमन दी मेराज है, कि असी उन नारे ते सारे ला रहे हैं माशाल्लाह गुलामी ए रसूल में मौत भी कबूल है। माने साडा मकसद जिहड़ा मस्जिद भरी तहरीक है साडी मस्जिद वर तहरीक मस्जिदां पढ़नी है ओके नमाज पढ़ के पढ़नी ते इंशाल्लाह जिस उन्होंने तरकीब दिलाई यह हुई है हदीसा ने सब ने सुनी है कि बेनमाजी के उत्ते एक गंजा सांप मुसलत करता जाता है जो मरता है और एक दफा डसद तो 70 हाथ जमीन चाहिए यह चीज है यार कि जेने मेरे नबी अलैहि सलातु व सलाम ने सानू काम के ने उन्होंने हुक्म बजाव नहीं लाइए यार ना कि असी वक्त इधर उधर का बचाया ही ना खुदा की कसम वक्त गुजर है यह गुजर जाएगा और जरा एक दिन साडा गुजर है वह साडा मौत के करीब हो रहा है और अन करीब सानू तेरी कब्र च बात आ जाए अन करीब वो वक्त आने वाला अज नहीं कल या तो देर दे रहते हो कोई इतने मर गया कुछ दिन पहले मैंने इतों आया मुंडा मर गया इस तरह तकरीबन हर इलाके जो कोई कोई हफ्ता यकीन मैं ऐसा नहीं होता कि यार के मुंडा फोत हो गया कर सब ना कि असी वक्त इधर उधर का जाया जाए खुदा की कसम वक्त गुजर है यह गुजर जाएगा और जोड़ा एक दिन साडा गुजर है वह साडा मौत के करीब हो रहा है और अन करीब सानू तेरी कब्र च बात आ जाए अन करीब वो वक्त आने वाला अज नहीं कल या तो देर दे फिर आता है यानी बंदे ने चुके कद च मारो ना तो लक टुट जाता कद च टुट गई इस तरह तकलीफ दी जाएगी बेनमाजी में।